खातेगांव की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा ने एक दिवसीय धरना दिया और प्रदेश की कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश के किसान भोला भोला है और उनके भोलेपन का कांग्रेस फायदा उठा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत मीणा ने कहा कि आज 70 दिन होने को है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से झूठे वादे किए थे। आज भाजपा किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन खातेगांव बस स्टैंड पर रखा गया था। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए और कांग्रेस सरकार को किसान हितैषी सरकार ना बताते हुए गंभीर मुद्दों को पर विषय रखा है, तो आप बताएं उस पर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो लोग हमको बता रहे हैं जिन्होंने किसानों ने यहाँ मध्य प्रदेश में, मैं कहना चाहूँगा, शहादत दी। 6-6 किसानों ने आत्महत्या की और हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने आने के पहले सबसे पहला जो काम किया 2 घंटे के अंदर कर्ज माफी की जो फाइल थी उस पर साइन करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो अक्सर ये बात करते हैं कि भाई कांग्रेस किसान की विरोधी पार्टी है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहली ऐसी सरकार होगी जिसने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का काम किया, नहीं तो वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जिसने 3.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गिनती के 15 उद्योगपतियों के माफ किए हैं। अच्छा, वैसे आपके वचन पत्र में 10 दिन में कर्ज माफी का था, अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 70 दिन हो गए पर अभी तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आया। उसका कारण ये है कि आज 15 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और जो सोसाइटियां होती है उस सोसाइटी में 6000 करोड़ का तो घाटा निकल चुका है सोसाइटियों में। हर जगह जिसके 10,000 जिसका कर्ज था उसका 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज आ रहा है, तो हमने इसीलिए 3 तरह के फॉर्म भरवाए ताकि शुद्ध रूप से किसानों को ही उसका फ़ायदा हो, ना कि कोई बिचौलिया का उसमें फ़ायदा हो। इसलिए उस प्रोसेस में और जिस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश मिला था, मध्य प्रदेश को हर दूसरे दिन हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान साहब ने छोड़ कर गए। अच्छा, किशनपुर डैम का भी एक यहाँ मुद्दा उठा है, तो इस पर भी क्या प्रदेश सरकार का ध्यान है? बिल्कुल, मैं पहली बात तो उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आज किशनपुर डैम का मुद्दा उठा रहे हैं, 15 साल से ये रूलिंग पार्टी में सरकार में थे, 15 साल तक इन लोगों ने क्या किया जो आज यहाँ आकर कह रहे हैं कि भाई हमको किशनपुर डैम चाहिए? सरकार की पहली प्राथमिकता है जहाँ पर भी किसानों को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो डैम की बात हो चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, सरकार तत्परता के साथ में उनके साथ में खड़ी है। आपका शुभ नाम? राहुल इनानिया, प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस। ठीक, थैंक यू। के लिए आपने शासन से जो मांग की, किस उद्देश्य को लेकर आज आंदोलन है और ये कब तक चलना है? हमारा उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के बैनर के तले जो आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो बेहोश पड़ी हुई है, जिन्होंने किसानों का कर्ज 2 लाख रुपये 10 दिन के अंदर माफ़ करने को कहा था, आज 10 दिन तो क्या उनके, मेरे ख्याल से 7 मुख्यमंत्री बदल जाते, उनका कहना था कि 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। हमारा ये कहना कि हमें मुख्यमंत्री चेंज नहीं चाहिए, हमें किसानों के जो 2 लाख की उन्होंने घोषणा की है उस 2 लाख रुपए को माफ़ किया जाए। दूसरा, जो सोसाइटियाँ जो ग्राउंड में गवर्नमेंट द्वारा सोसाइटियाँ चल रही हैं, उन सोसाइटियों को जो उन्होंने किसानों की जो अंश मनी रखी हुई थी, उस अंश मनी को जो कांग्रेस ने हड़प कर गई है, हम चाहते हैं कि हम किसानों की जो अंश मनी है वो उसको हड़पना न जाए। और जो सोसाइटियों के कर्ज माफ़ी के जो प्रमाण पत्र मिले हैं, जिन सोसाइटियों में 1600 खाते हैं मात्र 20 किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं, तो कर्ज माफ़ी और जो किसानों के प्रति जो घोषणा पत्र में कांग्रेस का जो था, उस घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री अध्यक्ष ने 1, 2, 3, 4, 9, 10 दिन जो गिनाए थे जी, उस विषय पे भी बताएं। उन्होंने कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जी, वो तो पप्पू है और पप्पू को ये तो पता नहीं चलता कि शासन कैसे चलता है। कभी उसने किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द, व्यापारियों का दर्द कभी उसने समझा ही नहीं। इटली में उसकी पढ़ाई हुई है, उसको क्या पता कि भारत देश में किसानों की हालत क्या है, किसानों का कर्ज माफ़ कैसे होगा। आज कांग्रेस के शासन ने
दो महीने के अंदर करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश शासन ने कर्ज में लेकर डूब रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए कर्ज ले रहे हैं पर डे। कल भी मेरे ख्याल से उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो कि मध्य प्रदेश को गिरवे रखने की ओर कागार पर चल रहा है। और किसानों की जो हित की बात करती, उन लोगों ने घोषणा पत्र में शासन ने आप लोगों की बात नहीं मानी तो क्या? अगर मान लीजिए शासन ने हम लोगों की बात नहीं मानी तो 7 दिन के बाद में हम लोग माननीय विधायक जी खातेगांव विधानसभा के नेतृत्व में, जो उन्होंने माननीय विधायक जी ने अभी बताया कि हम खातेगांव विधानसभा से भोपाल तक का पैदल मार्च करके किसानों की मांग मनवाने के लिए प्रयास करेंगे। और हमें अगर कांग्रेस शासन अगर ऐसा नहीं माना तो उसके लिए अभी हम लोगों ने आवेदन दिया है, फिर हम निवेदन करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं माना तो हम किसान भाइयों के साथ में और किसान की समस्याओं को लड़ने के लिए रोड पर आ जाएंगे। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस शासन रहेगी। ठीक, थैंक यू।